नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है सूर्य देवता छठ पूजा द्वारका सेक्टर 14 के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जैसे कि हम बात करें, अगर दिल्ली की बात करें छठ पूजा को लेके जो एक गहमा गहमी चल रही, जैसे दिल्ली सरकार या एलजी की बात करें, उन्होंने बोला कि अपने घर में छठ पूजा मनाई जाए, मगर हमारे साथ जैसे कि अध्यक्ष जी हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उपाध्यक्ष जी भी हैं उनसे भी बात करेंगे कि अब की बार छठ कैसे मनाई जाए। जैसे हमारे दिल्ली के अंदर बहुत सारे पूर्वा चली भाई रहते हैं और छठ को लेके एक उनके मन में एक शंका है, तो उसी शंका को हम जानना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ पे दिल्ली के अंदर छठ पूजा मनाई जाएगी। श्री प्रसाद साह, द्वारका सेक्टर 14 में हमारा तकरीबन 30 सालों से छठ पूजा मनाते आए हैं और हम लोग एक जिम्मेदारी समझते हैं और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम लोग अपने समाज के लोगों को सुरक्षित करना हमारा सबसे परम धर्म है, कर्तव्य है। इसमें तो मैं दोनों केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को हम सबसे घिनौनी समझते हैं कि किसी भी हिंदू धर्म को पूजा पाठ करने पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे हमारा छठ पाँच तीन दिन का पर्व, ये सबसे बड़ा पूरे मुझे लगता है पूरे भारत में तीन दिन का पर्व जो व्रतधारी झेलते हैं, व्रत करते हैं, तीन दिन तक खाना पीना नहीं खाते हैं और ये सबसे बड़ा पर्व हम लोग बिहार में सबसे बड़े पर्व हम लोग मानते हैं। तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, एलजी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एलजी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमें तो लिख के कुछ परमिशन के लिए दिए ही नहीं है, हम किसको दे। दोनों अगर दोषी, हम तो दोनों को दोषी मानते हैं, अगर नहीं तो हमारे समिति को लेटर दे, हमें आदेश करें, एलजी दे मुख्यमंत्री को, दे मुख्यमंत्री एलजी को दे, तभी तो हमें अभी दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा। सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जसवंत सिंह है। जसवंत जी, जैसे हम बात करें अगर छठ पूजा की हम बात करें, क्योंकि आज की डेट में अभी दो चार दिन ही बचे हुए छठ के लिए, और जिस तरह हम देखते हर साल छठ के लिए हर राज्यों में या प्रदेश हो या किसी कहीं भी आप बात करें, छठ को बहुत महत्व दिया जा रहा है, मगर कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली की राजधानी में जिस तरह एक राजनीति खेली जा रही, तो क्या उसमें हकीकत है कि राजनीति खेली जा रही है, पूर्वाचल जो भाई हैं उनके साथ कुछ भेदभाव किया जा रहा है। मैं अध्यक्ष साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि दिल्ली सरकार और ये केंद्र सरकार दोनों मिलकर गलत कर रहे हैं। इसमें क्या है कि और भी चीज़ें हैं, जैसे मेट्रो हो गया, बस हो गया, हर चीज़ में जब ढिलाई दी गई है, तो ये हमारा त्यौहार है, हमारे पूर्वांचल भाइयों का त्यौहार है, इसको ख़राब किया जा रहा है। जितने और जो लोग हैं, जैसे और भी धर्म के लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, यहाँ तो तीन दिन तक जब वृद्धारी अपना पूजा पाठ करता है उसको तो कम से कम घर से बाहर पूजा करना ही होता है। तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मैं अध्यक्ष के साथ खड़ा हूँ और हम कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए लड़ेंगे। और हम अगर आप लोगों ने जो व्यवस्था करवाई हुई है आपके छठ की, जी, तो उसमें क्या क्या सुविधा आप दे रहे हैं, जैसे कि अगर कोई रह रहा उसके घर पे वो व्यवस्था नहीं है, जैसे किराएदार है या और कोई है कि वहाँ पे उसको वो व्यवस्था नहीं मिली। हमने कुछ अलग से स्टॉल लगाए हुए हैं जिसमें पर्दे वगैरह लगा के नाइट स्टे का रखा हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, और टेबल वगैरह वहाँ पे पानी की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था हमने सब वहाँ कर रखी, ताकि वो लोग जब तक पूजा में तब तक वो वहाँ रह सकते हैं, उसके बाद जब अपना पूजा पाठ करके अपने घर जाएँ तो सैनिटाइजर के साथ ही टनल से निकल के जाएँ, ताकि अगर कोई बात अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई है तो घर तक ना पहुँचे। तो दीपावली पे आखिर हिंदू त्योहारों पर ऐसा क्यों कर रही है सरकार? इसी चीज़ की तो हमें कहीं ना कहीं एक गलत भावना निकलती है कि जब हम ईद की बात करें या किसी और चीज़ की, अब ईद पे हमने देखा कि शाहीन बाग है और भी जितनी मोहम्मदन बस्तियां हैं जहाँ पे पूरा वो है, पूरे बाज़ार खुले हुए थे, पूरा जैसे जितनी भी शॉपिंग हो सकती सारे काम करें, यहाँ तो पूजा पाठ पे बैन हो रहा है। अच्छा सर, जैसे दीपावली की बात करें, जैसे अभी बिहार में चुनाव और आपने आतंकवाजी वहाँ पे देखे हो पटाखे कैसे जलाए, जी, मगर दीपावली पे एक कोरोना महामारी को लेके या प्रदूषण को लेके इतना बवाल कर दिया गया कि जो ग्रीन पटाखे थे उन पे भी बैन लगा दिया गया। देखिए, ये मंशा है इन लोगों की है? ये कुछ नहीं, ये हमारे, मैं सही से बताऊं तो कहीं ना कहीं ये व्यापारी भाई जो हमारे, जिन्होंने पैसा लगा रखा था, जो उन्होंने पहले स्टॉक, ये अगर ऐसा करना था, इनको बैन करना था, तो आज से एक महीने पहले ही उन्होंने गाइडलाइन देनी चाहिए थी कि नहीं जी ये काम नहीं होगा। उनको मैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं और हम इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं। सरकार की गाइडलाइन आई है
कि अगर कल से ही लॉकडाउन हो जाए या घर से बाहर नहीं निकलने जाए, इस पे अध्यक्ष जी आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, हम सरकार के विरोध में नहीं है और सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें इतना तो आदेश दिया जाए, अपना एक गाइडलाइन रखें कि हाँ आप इतने समिति के जो व्रतधारी है एक नियम कानून के साथ में, आज अब तो समय ख़त्म हो गया, लेकिन आज ही आज रात तक आज कुछ ना कुछ गाइडलाइन आप दीजिए ताकि व्रतधारी को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, वो अपना व्रत अपना शांतिपूर्वक अपना मना सके, अपने संस्कृति सभ्यता हम लोग सबसे पहले मानते हैं। इतने बाजार में आप जाओ कहीं पे, मैं दिल्ली में देखता हूँ हर बाजार में साप्ताहिक बाजार हो, सिनेमा हॉल, मॉल हो, बस हो, कहीं ना कहीं चौराहे, फल फूड मार्केट, कहीं आज तक मास्क, मैं समझता हूँ कि मैं देखता हूँ तो 50% लोग मास्क लगाते हैं, 50% बिना मास्क के ही घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये संदेह, हमें तो बस एक पूजाधारी व्रतधारी को बस हमें मनाने की अनुमति दी जाए ताकि हम भीड़ भाड़, अनुमति नहीं मिलेगी तो पूर्वांचल के लोग राज्य सरकार या केंद्र सरकार के प्रति क्या करेंगे? हम लोग पुतला दहन करेंगे, वो हमारा अधिकार है, अगर हमारे धार्मिक स्थल, हम अपनी छठी मैया, हमारी माता है, हमारी माता के ऊपर जब आन बान शान की बात आएगा तो जेल भरो आंदोलन तक भी चलो, इस बार तो अब समय खत्म हो गया, हम तो पूजा मनाएंगे ही, जो करना है करें, अगर हमें अगर एक व्रतधारी के लिए भी अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो नियम का उल्लंघन करना पड़े तो वो भी करने को तैयार, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। कि अभी हमने बात की और जो यहाँ पे एक मैसेज दिया गया, अगर हमारे जो त्योहार है उसको लेके अगर कोई गाइडलाइन नहीं देती सरकार तो फिर उसमें नियम का उल्लंघन हो या कुछ भी हो, मगर ये त्योहार मनाया जाएगा जो के त्योहार आते हैं, छठ पूजा हो, दीपावली हो, होली हो, उन्हीं पे आखिर ऐसे संकट क्यों आते? क्या ये कोरोना महामारी सिर्फ हिंदी त्योहारों के लिए? अब देखना होगा कि सरकारें इन चीजों पे कोई ध्यान देती है कि नहीं देती। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।